मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव पर सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत चुनाव होंगे, यानी आरक्षण के साथ पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। मंत्री भूपेंद्र सिंह का कहना है कि इसको लेकर एक दो दिन में फैसला भी होगा। सरकार की स्पष्ट मंशा है कि किसी भी कीमत पर ओबीसी के आरक्षण के बिना चुनाव नहीं होना चाहिए। सरकार के जो भी प्रयास हैं, सरकार जो भी लीगली कर सकती है या जो कर रही, वो एक दो दिन में परिणाम आपके सामने आएगा। और सरकार इस बात का पूरा प्रयास कर रही है, कोशिश कर रही है कि ओबीसी को 27% आरक्षण पंचायत के चुनाव में मिले। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है और इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ओबीसी की विरोधी है। कांग्रेस पार्टी के कारण ही सर्वोच्च न्यायालय ने ओबीसी के आरक्षण पर रोक लगाई है। विधानसभा के बाहर भले ही तापमान लगातार गिर रहा है, लेकिन विधानसभा के अंदर ओबीसी आरक्षण पर बहस के दौरान पारा काफी हाई रहा। बहस मुबाहिदों का दौर लगातार चलता रहा, आरोप प्रत्यारोप के तीर भी चलते रहे। ओबीसी आरक्षण के साथ पंचायत चुनाव कराने को लेकर पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता कमलेश्वर पटेल और नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। जिस तरह से सरकार की तरफ से जवाब आना चाहिए, वो जवाब बहुत तर्कपूर्ण नहीं था। लगातार अपनी गलतियों को छुपाने में लगे रहे सरकार के मुख्यमंत्री, मंत्रीगण और यहाँ तक कि विधायक साथी भी क्रिया प्रतिक्रिया देते रहे, पर जो विसंगतियाँ हैं, त्रिस्तरीय पंचायती राज का जब गठन हुआ, स्वर्गीय राजीव गांधी ने पूज्य महात्मा गांधी जी के सपने को साकार करने के लिए 73वां 74वां संशोधन विधेयक लाकर और जिस तरह से अधिकार संपन्न संवैधानिक अधिकार दिया। कांग्रेस पार्टी ओबीसी की विरोधी है। कांग्रेस पार्टी के कारण ही सर्वोच्च न्यायालय ने ओबीसी के आरक्षण पर रोक लगाई है।